तुम्ही केस जिंकला अभिनंदन. मैं चला लूंगा. आप केस जीत गए, मुबारक हो. పేపర్ ఉందా? పేపర్ ఏవండి, లడ్కే వాళ్ళు యుఎస్ సే ఆ రే, ఉని ఘర్ కా ఖానా పసంద్ నహీ ఆయా తో 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 డైట్ కుక్ మంగా లే. ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ ఇస్ ఘర్ మే తబ్ లావ్ జబ్ మై మర్ జా. అండర్స్టాండ్? సరే లండి, సారీ, గల్తీ హో గయి. లడ్కే వాళ్ళో కో యే యే ఫ్రెష్ బనానా లీఫ్ మే ఖిలావ్ జైసా హమ్ ఖాతే హై, అప్రిషియేట్ కరేంగే. सरू किस कल्चर, किस फैमिली, किस वैल्यू सिस्टम की लड़की है, रिस्पेक्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हेलो, यस यस, दिस इज जयराम ओनली स्पीकिंग. बोलिए जी. अच्छा अच्छा अच्छा. लड़के वालों ने कैंसिल कर दिया. कैंसिल? पर क्यों? 10 लड़कियों की लिस्ट बनाई थी उसकी मां ने जब से लड़का यूएस में था. पहली वाली ही पसंद आ गई उसे, फिर आके हमारी बेटी को हर्ट क्यों करना, ऐसा कहा उन्होंने. जरूर मेरा टिफिन रेडी कर दो, इसे लाइब्रेरी छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा. पर ऑफिस आज तो छुट्टी था ना? अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा. तो ये एक तरफ, तो ये एक तरफ, कभी भी किसी की बात. अम्मा, लड़का नहीं आया मींस. धीरे बोला कर.
वरना सुन लेंगे। मतलब संजय से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई। देख कावेरी, मैंने तुझे बहुत बार समझा है, सरू तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी, उससे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। बार बार ना इस बात पे बहस मत किया कर। तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? हमारी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ढूंढने और पाने में बहुत फर्क होता है कावेरी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? फैमिली पे ही डिपेंड करूंगी ना कि कोई अच्छा लड़का देख के सेटल करवा दे। लेफ्ट 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 गोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम आई टेल यू। पता सर, लिफ्ट खोल के ये क्या हो रहा है? सोसाइटी में ये क्या वल्गर है? दूसरों को ऑफिस जाना है। कम सरो, आप यहाँ घूम रहे हैं? चरम जी, मैं आपको सोसाइटी में ढूंढ रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, हम तो एजिम के लिए हॉल बुक करने आए थे। इट्स ऑल राइट, बट आई टेल यू व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। दिस इज टू मच। यू सी, मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ, फिर भी उसे कोई डर नहीं। शर्टलेस शेमलेस स्काउंडरल। सर वो 20/52, वो तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल जी, 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम में। ऐसा क्रिमिनल लड़के को एनओसी क्यों दिया? रोक कैसे सकते हैं सर? सर वो ऐसा है सर, वो जो ओरिजिनल ओनर थी मिस लिली, उन्होंने अपना फ्लैट इसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। मिस लिली जी, सच अ सेंसिबल लेडी। ऐसा रोड साइड रबिश के नाम पे उसने अपना फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया। वो रोड साइड रबिश नहीं है सर, सुना है कि बहुत बड़े बाप की औलाद है, और उस पे कोई ऑब्जेक्शन निकालो तो कोई ना कोई लॉ झाड़ देता है। सर उसको बहुत नॉलेज है लॉज और बायलॉज की। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो आप इस जेल बर्टन वकील से डर गए और सोसाइटी को डांस बार बना दिया। सर मैंने क्या बना दिया? अब लेडीज की परेड को एक सेक्रेटरी कैसे रोक सकता है? एक सेक्रेटरी का काम है सोसाइटी में डिसिप्लिन बना के रखना। आपसे नहीं होता तो रिजाइन कर दो, किसी और को इलेक्ट कर लेंगे। चलो सर। अब बताओ यार, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ये लव पोएट्री कब से पढ़ने लगी? वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसी किताबें पढ़ने से आईक्यू नहीं बढ़ता। सरस्वती पार्थसारथी। जो रिसर्च तुमने मुझे मार्केट ट्रेंड्स पे दिए, आउटस्टैंडिंग। माय बॉस वाज फ्लॉर्ड। सरू, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मेरे ऑफिस वालों ने एक समर फंक पार्टी ऑर्गेनाइज की है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, पर जो भालू बन रहा था वो बीमार पड़ गया है, तो तुम डांसिंग भालू का रोल करोगी? अरे तुम तो ना मत करो यार, चैरिटी के लिए है। मेरे बॉस की वाइफ का पेट प्रोजेक्ट है, अगर तुमने हाँ कर दी तो मेरी लाइफ बन जाएगी। प्लीज। आज बाउंसी भालू कैसे बन गई? अभिमन्यु ने क्या प्रॉमिस किया है? अ किस?
आहा, या तुम्हारे लिए तो बस के हाथ पकड़ना ही काफी होगा। और जो एनोनिमस वैलेंटाइन कार्ड तुमने अभिमन्यु के लिए भेजा था वो ऑफिस में सबको बहुत पसंद आया। जब शाम आए तुम याद आए तूफान लाए यादों में तुम बेबाक सी है हर एक तमन्ना गुस्ताखियों में अब दिल है गुम ख्वाबों के काफिले सिलसिले साथ मेरे चले। रात दिन हर घड़ी I'm very sorry. Very sorry. मुझे लगा भालू लड़का है। आप ये एस्किमो सूट उतार क्यों नहीं देती? गर्मी में पिघल जाएगी। Excuse me. ये आपका सर। Thanks. अब सुनिए, कोई किताब रेकमेंड कर सकती हैं? कुछ बुक। कैसी? आठ साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? Something like that. जाने कहां से तुम पास आए हुए पराए मुझसे सभी जीने लगी है हर सांस मेरी अब दूर जाना ना तुम कभी थम गया है सम पल भी है खुशनुमा मैं अकेली यहां
see him again. Never, never, never! स्वरूप, संजय ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। डेनमार्क बेस्ड है, वर्क्स फॉर मार्स इलेक्ट्रॉनिक्स। कल मिलने आएगा तुमसे। पर कल तो आप और अम्मा तिरुपति जा रहे हैं ना? संजय ने रिक्वेस्ट किया, मैंने परमिशन दे दिया। अच्छा लड़का है, आईआईटी आईआईएम और वैदिक ही ब्राह्मण्स है, और उसको भी परफेक्ट मैच है। पर आप दोनों के बिना मन नहीं मान रहा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। Hi. Hey. How are you? Good. Okay. This is Arun. Hi. Namaste. Hello. And chup idhar. Tea, coffee? No, thanks. मैं सर को लेके आती हूँ। Yeah. Okay. चलो, जल्दी। अरे ये क्या लगा है? She's my sister, Saru. Hi. So nice to have you. It was a pleasure meeting you. Same here. Thanks. Take care. Thank you. See you later. Chalo. I'll see you. Take care. Shall see you tomorrow. Perfect match for you. Great guy. I really like him. अरे, उसने अपना फोन यही छोड़ दिया। एक काम करो, तुम जाके देखे आओ। उसे अच्छा लगेगा। ये लो। ये लो ना। अरे, कुछ नहीं होगा। चलो, चलो, चलो। कावेरी का फोन है, क्या बोलूं? क्या बोलूं क्या? तू कावेरी जैसी ब्यूटी को ले गया और सरस्वती जैसी विभूति आंटी को मुझे चिपका रहा है। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है यार? क्या यार, तुझसे ना मुझे बहुत होप्स थे, और वैसे भी तू दसवां लड़का है जो सरू को रिजेक्ट कर रहा है। What? मेरे पहले नौ गए? ये तू मुझे कब बताने वाला था? हुक बुक होने के बाद? देख, अगर मुझे कावेरी से शादी करनी है ना, तो पहले उस एनसाइक्लोपीडिया की शादी करानी पड़ेगी। ओल्ड मैन पार्था सारथी की यही जिद है, परेशान हो गया हूं मैं। I can't help you in this, bro. ये सरस्वती तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कावेरी, तुमने संजय को बताया कि कितने लड़के मुझे रिजेक्ट करके गए? How could you? अरुण ने भी ना कह दिया, उसे विभूति अम्मा नहीं चाहिए। पता है। और ये पता है? कि संजय ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है, तुम्हारी शादी होने तक वेट नहीं करेगा। वो कहता है अगले महीने में शादी कर लो और उसके साथ यूएस जाओ या उसे भूल जाओ। So sorry. Sorry मत कहो। Smart enough, find a man. मैं किसे स्मार्ट एनफ होने के लिए कह रही हूँ? तुम तो कभी चेंज नहीं होगे, तुम फॉसिल हो, फॉसिल। और तुम्हारी वजह से मैं संजय को खो दूंगी। I love संजय। उसके बिना कैसे जियोगी? कावेरी, मैं उसके साथ भाग जाती हूँ और कोई रास्ता नहीं। कावेरी, कावेरी नानक के बारे में सोचो, उनको पहले ही कटाया कर चुका है। तुम भाग गई तो पूरी फैमिली में उनकी बदनामी हो जाएगी, नानक का दिल टूट जाएगा। कावेरी, और मेरा दिल वो टूट गया, किसी को केयर है? ऑफ कोर्स है मुझे। कावेरी, कावेरी, संजय के जाने से पहले आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारी उससे शादी करवाऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम ये फिजूल के प्लान बनाना बंद करो। You promise? Promise. Hello. मिस रूबी मल्होत्रा की अपॉइंटमेंट चाहिए। तीन महीने की वेटिंग लिस्ट। सो प्लीज कुछ हो सकता है।
रिकमेंडेशन सर? ओके थैंक यू. मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी मैंने मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ. सॉरी मैंने इस टाइम पे डिस्टर्ब किया. इस टाइम पे कोई एक्सरसाइज करता है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. इस टाइम पे तुम मुझसे मिलने होगी, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. इस टाइम पे आना पड़ा कि कोई देख ना ले. नाना को पता चला तो और तुम भी इतने टाइम से लाइब्रेरी नहीं आए इसलिए तुम्हारे घर पे आना पड़ा. एक्चुअली मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, इमरजेंसी है. वो मैं पूछने आई थी कि तुम प्लीज अपनी मंडे वाली गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा मेकओवर कर दे, मेरी सिचुएशन बहुत डेस्परेट है. मंडे वाली गर्लफ्रेंड कंट्री की बेस्ट मेकओवर स्पेशलिस्ट है फॉर ब्राइड्स टू बी एंड ब्राइड्स इन वेटिंग. मेरी जैसी लड़कियों की लाइफ बदल सकती है. मैंने अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया लेकिन 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है. आई नो कि तुम्हारी लड़ाई हुई है लेकिन अगर तुम प्लीज पैच अप कर लो. प्लीज तुम मेरी रिकमेंडेशन कर दो. इंदर माय जान, आई एम सो सॉरी. हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था. आई एम रियली सॉरी. मैंने फोन पर क्या क्या अनऑप्शन आप बोल दिया. लेट्स जस्ट गेट बैक. नो एक्सरसाइज किया जिम में, नहीं बेड पे. काम डन रूबी. सर वो मेरी नेबर है, इसे तुमसे अपॉइंटमेंट चाहिए थी इसलिए मुझसे मिलने आई थी. 4 बजे? हाँ 4 बजे तुम उसे अपॉइंटमेंट दे रहे थे. तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू? अरे लाइन मारने आई है ये. रोज मिलती हूँ मैं ऐसी आंटी टाइप से. जितना लंबा कुर्ता उतनी ज्यादा सेक्स ड्राइव. और तुम नो तो बोलना आता ही नहीं है ना तुम्हें. स्टे सर.
रूबी से सॉरी। आर यू क्रेजी? मैं इस बहन जी से सॉरी बोलूंगी। तुमसे मिलने आई थी, नो से सॉरी। ना बोलू तो? ना बोलू तो अपनी कफ परेड वापस जा सकती हो। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो इस म्यूजियम पीस के लिए? मुझे? गेट लॉस्ट। यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल। तुम जाके सॉरी बोल दो। मैं सॉरी नहीं बोलता। सुनो, तुम घर जाओ, गो होम। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो आई फील रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, बहुत खून बह रहा है। मैं भी चलती हूँ। वेयर साइंस सर्कल। हेलो सिक्योरिटी साहब, सोसाइटी में लफड़ा हो गया है सर। गांव बहुत कह रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। आज मौला है का? वैसे लड़की सही कह रही है, खून से लथपथ हो लेकिन हॉस्पिटल में नहीं हो। काबरा मन जाए, मतलब क्यों? मुझे जरूरत नहीं पड़ती है सर, मेरे घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। कैसे? घाव खाने की आदत है। जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ दो लोगों को आदत होती है, चोर या पुलिस। चलो। तुम क्यों? सरू तुम घर जाओ। ना ना ना, एक मिनट। सरू तुम घर जाओ म्हणजे इंस्पेक्टर गेला खड्ड्यात, मी कट झक मारतो का इकडे? बात कर रहा हूं ना। भारती पुराना चावल है, जरूर रिकॉर्ड होगा, बिठा दो उनको गाड़ी में। सर प्लीज मेरी बात सुनो सर, कुछ इलीगल नहीं है सर। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसमें बॉटल फोड़ दी है, टुकड़े बॉडी में घुस गए सर, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है सर, प्लीज। अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो पुलिस स्टेशन। सरू मैंने तुम्हें कहा था ना घर जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो, घर जाओ प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, आई फील रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू फिक्स दिस। सरू स्टॉप दिस। सर गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी सर। सर दोनों को सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलेगा सर। क्या बोलिस तुम? क्या बोला अभी तुमने वो सॉरी? सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलेगा सर। सॉरी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ए भारती। जी सर। वैसे तो इसके घाव जल्दी भर जाते हैं लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले जा, पट्टी करा दे और घर छोड़ देना। ओके सर। ओके। हरी ये गन लाठी छोड़ो, दुनिया चलाने के लिए दो शब्द काफी हैं। सॉरी आई लव यू। काय बीवी साहब, देखो तुम तो छोड़कर चली गई, अब तुम्हारी ये सॉरी आई लव यू किसी दिन मेरी नौकरी छुड़वा के रहेगी। चलो हेलो। हाँ सिक्योरिटी साहब, ये तो पुलिस केस लग रहा है सर। हाँ वो 20/52 वाला लड़का और 5 सालथी साहब की बेटी पुलिस वैन में वापस आए हैं। तो मैं चलूं? इंदर, ये तुम्हारी मेडिसिन्स मेरे पास रह गई हैं। याद है ना, उल्टी हो तो ये रेड वाली और दर्द हो तो ये कैप्सूल ले लेना। कहाँ रखूं? पे सोने के लिए कहा है डॉक्टर ने, बैक पे नहीं, स्टिचेस पे जोर पड़ सकता है। इंदर
इंदर, इंदर, ड्राइवर ये रस्सी जरा खोलना। जयराम सर, वन मोमेंट प्लीज। आहा, नमस्कार। क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे बिना ही मीटिंग हो रहा है। देखिए जयराम साहब, सरस्वती क्या कर रही है सोसाइटी में? क्या हुआ? बता भाई। सर वो पूरी रात दीदी वो 20/52 के वो 20/52 में क्या वो अंदर बाहर हो रही थी रात भर। सरस्वती पी हुई है तूने? नहीं 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 सर। दिमाग खराब हो गया है स्काउंडरल, बकवास करता है, नौकरी से निकलवा दूंगा। आप चेकिंग कर लो साहब, जब से पुलिस वाला छोड़ के गया है वहीं ऊपर ही पुलिस? सरस्वती ये क्या बेहूदा बात कर रहा है? जयराम साहब मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर जाके चेक कर लेते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरुंधति तुम घर जाओ। आइए सर। चलो चलिए। आइए सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता। ये देखिए सर, दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। इंदर अरे वॉचमैन तो सही कह रहा था। नाना आप तो कल आने वाले थे। आप वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं वो हॉस्पिटलिस्ट। चुप कर रहा है लड़के, चुप कर। पूरी बिल्डिंग को ना बाजार बना रखा है और अब तो हद ही कर दी। एक तो हमारी ही लड़कियों को फंसाते हो और हम ही से नजरें मिला के बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? मैंने नहीं फंसाया किसी को, वो सरू ने। ये सरू सरू क्या लगा रखा है? सरस्वती नाम है उसका, सरस्वती पार्थ सारथी। और सरस्वती पार्थ सारथी ने तुझ जैसे लड़के के लिए अपने घर की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसकी कोई वजह है जो तू बता सकता है हम शरीफों को? बोल। ये लोग क्या बताएंगे सेक्रेटरी साहब, हम बताते हैं। नाइट ड्यूटी पर तो हम थे, 4 बजे से दीदी के साथ पड़े हुए हैं। भगवान कसम झूठ नहीं बोलते हम, और हमें ऐसे बिहेवियर पर बहुत आपत्ति है। नन्ना नन्ना प्लीज घर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज नन्ना घर चलो, प्लीज नन्ना प्लीज। जयराम जी कुछ गलतियां माफ नहीं करते, ऐसी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं। और ये तो फिर भी अपनी बच्ची है, इस उम्र में हो जाती हैं गलतियां। मैं तो कहता हूँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और बच्ची को घर लेके जाइए। अरुंधति, क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो, अंतिम संस्कार करना है। किसका? तेरी बेटी मर गई ना सरू, उसी का। अब छोटी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कावेरी को ये गुड न्यूज बता दो। कुछ गलतियां माफ नहीं करते, सुन लिया आप सबने, मेरी बेटी आज मर गई। पिंडदान पर भोजन करने आप सब जरूर आना, तुम भी। चलिए चलते हैं। जी सर। तुम किस लिए सॉरी बोल रहे हो? बस सॉरी।
कहाँ जा रही? ऑफिस। क्यों? क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। मैंने कावेरी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करवाऊंगी। जो भी हुआ, नन्ना फाइनली कावेरी की शादी के लिए मान गई। यही तो तुम और मैं चाहते थे ना अम्मा। तो क्या कर रही है बेटा? क्या सोच रही है? बस एक बार कावेरी की शादी हो जाने दो, प्लीज प्लीज। मैं तुझे रोज फोन करूंगी। हाँ, नन्ना को बता के। तू जानती है ना उन्हें, मैं उन्हें नहीं बता सकती। तो फिर प्लीज फोन मत करो अम्मा, प्लीज। उन्हें पता चला तो वो टूट जाएंगे। हे भगवान, की बाप बेटी के प्रिंसिपल्स में मैं क्यों फंस जाती हूँ? बाय अम्मा। देखिए, घर का आज मिलना बहुत जरूरी है जी, प्लीज। देखो ना, रहने के लिए कुछ जगह ही नहीं मिल रही है। You need to give me the report as soon as possible, okay? ये लो। सरू, हम लोग फाइव गार्डन्स की तरफ ही जा रहे हैं। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। No, thank you. No problem, yeah. Come along. Let her be, Abhimanyu. किसी डेट शेड पर जा रही होगी। तुम किसी डेट पर जा रही? Abhimanyu, that's Inder. Inder, that's Abhimanyu, Namrata and Sheeta. घर चले। घर ढूंढने के लिए थैंक यू। जब पसंद आ जाएगा ना तो थैंक यू बोल देना। थैंक यू। चलें। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अभी थोड़ा खाली खाली से है, बट कल वो सब्जी एंड स्टफ सब साथ में लेने चलेंगे, ठीक है? सब्जी एंड स्टफ मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर तुम साथ में चलोगे तो मत आओ नहीं कहूंगी। गुड योकीज।
सब्जी लेने यहीं आती हूँ। रीजनेबल प्राइस के लिए फेमस है ये मार्केट। नाना भी यहीं से सब्जी लेते हैं। ठंडाई के लिए भी फेमस है मार्केट। योगी शंकर भैया कैसे हैं? अरे बढ़िया भैया। दो बना दीजिए, एक मेरा वाला और इनका सादा। जी भैया। लीजिए भैया आपका सुपर सेक्सी वाला और ये आपका। तुम्हारा सुपर सेक्सी क्यों? क्योंकि इसमें भोलेनाथ का प्रसाद है। जी प्रसाद है तो मैं भी लूंगी। हड़ताल है साहब, कल सुबह ही खुलेगी। कंप्यूटर वाले के नहीं चलना है फिर? चलना है। लाइब्रेरी की एक बुक मेरे पास पड़ी थी, वो तुम लौटा दोगी? वो भोलेनाथ के प्रसाद में भांग था ना? हाँ। मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ बता सकते हो? समझा नहीं।
जैसे पीके लोग सब कुछ ओवर ओवर करते हैं ना, कि ओवर हंसते हैं ओवर रोते हैं, तो मैंने क्या किया? मैं किस टाइप की पिक करूं? रोमांटिक। Did I embarrass you? मैं अपने लिए बियर लेके आता हूँ। इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते हैं। वैसे भी तो एक दिन मरना ही, तुम ये रुको मैं आता हूँ। तो दास तू मत कहना भगवान। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो, ये उनका वॉलेट है, वापस करो। जिसको मिला है ना उसका है, ज्यादा शाड़ी में बस चलने के लिए यहां से। ये उनका वॉलेट चोरी करके कह रहा है कि वापस नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलती है हमेशा, ये मेरा लकी पर्स है। अरे इंदर, इंदर इंदर किसी का वॉलेट है, क्यों फेंक रहे हो? रिटर्न करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। इंदर इसमें मेडिसिन है, टाइम पे नहीं मिली तो कोई बीमार पड़ सकता है। पढ़ने तो मरने तो आई डोंट केयर, बट आई डू। सरू, 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 स्टॉप दिस। सर, सर, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट आई मीन इज सर, सर आपका वॉलेट। थैंक यू बच्चे। सर वहाँ इंदर भी। इंदर, इंदर, इंदर रुको तो, इंदर सुनो, इंदर। गेट लॉस्ट। बच्चे मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। बंद है इंदर भैया। ऊपर साहब के घर तो वापस आई नहीं है सतु दीदी, आजकल तो आपके साथ आती है, कुछ लफड़ा हो गया क्या? वापस क्यों नहीं गए? गेट लॉस्ट कहा ना तुमने, उसके बाद वो घर में वापस जाना जो तुमने मुझे दिया वुड मीन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। आई एम अ बीस्ट सर। तुम सॉरी हो? हाँ। तो देन से ये सॉरी वो वॉलेट वाले मेरे डैड हैं, पता है। इस बुक में तुम्हारी फोटो है उनके साथ, रिनाउंड लॉयर राजेंद्र लाल परिहार विद हिज सन इंदर लाल परिहार इन फ्रंट ऑफ देयर 1858 ओक। नफरत है मुझे उनसे, आई हेट हिम।
दिन उन्हें गले लगा लोगे, दिल के सारे टूटे तार जुड़ जाएंगे। जरूर तुम्हारे डैड तुम्हें गले लगाने इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। है, एक इम्पॉसिबल शॉर्टकट। इम्पॉसिबल क्यों? कि कोई आईआईटी आईआईएम ब्राह्मण शास्त्री लड़का मुझसे शादी कर ले, फिर शायद गले लगा लेंगे, एटलीस्ट आशीर्वाद देने के लिए। तो कर लो शादी। विभूति आंटी से किसी को शादी नहीं करनी। विभूति आंटी? अच्छा भैया धारावी चलेंगे? हाँ साहब चलिए। धारावी क्यों? इंदर यहाँ क्यों है? Is this place decent? Don't worry. रूबी भी अपना सारा स्टॉक मुस्तकिन भाई से ही मंगवाती है। भाई? मुंबई में डिजाइनर स्टफ के सबसे बड़े स्मगलर हैं। स्मगलर? I want to go back. Trust me, स्मगलर है, पर आर्टिस्ट कमाल के हैं। मेकओवर किंग है। मुस्तकिन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे माल को सामने तुला। माल? इंदर प्लीज वापस चलो, मुझे नहीं चाहिए मेकओवर। Stop this, Inder. मुस्तकिन भाई ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स दिए। जाओ
चलें। कैसी लग रही हूँ? आज के बाद तुम्हें कोई विभूति आंटी नहीं बोल पाएगा। अम्मा कावेरी और नन्ना मुझे ऐसे दिखते तो बहुत खुश होते हैं। नहीं तो चलो उन्हें दिखाते हैं। No, इंदर, it's a bad idea. No, it's not. सरू, चलो। चोटी बना लेती हूँ, क्या ऐसे ही रहने दो? जैसे वैसे ही रहने दो, बहुत अच्छी लग रही हो। पुत्र का गोत्रम नाम बोलिए। सरस्वती कौंडिन्य। आप किस हद तक निराश कर सकते हैं, मैं भूल गया था। अब तुम क्या चाहती हो सरू? मैं कोई लूजर नहीं हूं जो गिव अप कर दूंगी। मैं नहीं सरू बन के ऑफिस जाऊंगी, और जब कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा तो कहूंगी थैंक यू। ये जो पिटी फेस तुमने मुझे दिया है ना, मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगी। और इसको देख के जब कोई अच्छा लड़का कहेगा कि मैरी मी सर, तो आई विल से यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज। फिर नाना से मिलने आऊंगी और फिर वो हार वाला फोटो उतार देंगे, मुझे गले लगा लेंगे और कहेंगे सौभाग्यवती बाबा, आयुष्मान बाबा। Not well, Saru. Are you all right? I'm okay. Thank you. The amazing, mind-blowing makeover का
मोटिवेशन क्या है? Tell me, I'm waiting. कि कोई आईआईटी आईआईएम फंसा लो. Really? Can I speak with Saraswati Parthasarathy? Saru ko aaj flu hai, isliye Saru library nahi aayi. Okay. Excuse me. Is Saru back? No. Saru ko abhi flu hai. Nahi to Saru aur chutti impossible. तुम्हें फ्लू है, तुमने बताया नहीं. वायरल था बस, नथिंग सीरियस. वो पार्टी बॉय भी ढूंढ रहा है तुम्हें. वो अभिमन्यू, व्हाट्स हिज नेम? शास्त्री. हाँ राइट. उसके पास नंबर नहीं था तुम्हारा? नहीं. परेशान कर रहे क्या वो? नहीं तो फिर उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? अवॉइड क्यों कर रही हो? क्योंकि उसके सामने मुंह खोलती हूँ तो कुछ इडियट टाइप निकलता है मेरे मुंह से. अब मत पूछना क्यों. क्यों? तुम्हें नौकरी मिल गई है क्या? तुम्हारे हाथ में ये फाइल, तुम्हें नौकरी मिल गई है. Congratulations. इस फाइल में मेरा रिज्यूमे नहीं, लड़कों की लिस्ट है. सारे के सारे आईआईटी आईआईएम. अगले हफ्ते से तुम्हें मिलने आ रहे हैं. कोई ना कोई तो पसंद तुम्हें आ ही जाएगा. सरू, हाय. हाय. अब तबीयत कैसी है? गुड. बहुत दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था. पूछना था कि तुम फ्री हो? आज नहीं, अगले 80-90 साल. अगर तुम फ्री हो तो वी कैन हैंग आउट साथ साथ में. What do you mean? कि तुमने इस आईआईटी आईआईएम को फंसा लिया है. I know this is very sudden, पर ये एहसास भी उतना ही सडन हुआ था उस दिन जब तुम डेट पर गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. और जब तुमने अपना मेकओवर किया तो आई होप्ड कि मेरी खातिर किया होगा. और जब ऑफिस नहीं आए तो रियलाइज हुआ कि यू आर द वन सर. मुझसे शादी करोगे? सरू, क्या इमरजेंसी है? गुड न्यूज है. चलो, इस फाइल में जो नंबर 8 वाला लड़का है ना, वो तुम्हारा वेट कर रहा है ऊपर रेस्टोरेंट में. आईआईटी आईएम और एमआईटी भी है. ये डैड विल रियली लव हिम. लंच ब्रेक में अभिमन्यु मुझसे मिलने आया था. कौन वो पार्टी बॉय? पार्टी बॉय आईआईटी आईएम है. अच्छा. ब्राह्मण, शास्त्री. तुम्हारे डैड की हर दुआ का जवाब लगता है. चलो, से शादी करना चाहता है.
क्या कहूं? हाँ कह दो। शादी की शॉपिंग के लिए चलोगे? अकेले मैंने जो भी सिलेक्ट किया मैं उसमें पुरानी सरू लग रही थी। प्लीज सुंदर, मुझे उस दिन सुंदर लगना है। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। फुर्कत का शरारा है, कैसा अंगारा है, तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है। क्या हुआ? शादी के बाद अभिमन्यु टर्की ब्यूरो में जॉब ले रहा है। वीजा के लिए ब्लड टेस्ट कंपलसरी था, बस उसी के लिए हॉस्पिटल टर्की जा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड तुम्हारे लिए। इंदर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना। रहे साथ अधूरापन, चाहे मैं जहां भी रहूं, कहीं सब्र मुझे ना आता है। मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना मुझे राहत क्यों दे जाता है। सरु की शादी का सर, लड़का आईटीआई में बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। सर अगर आप लोग भी आएंगे तो उसका अपने शादी में कोई नहीं होगा। सर प्लीज ले लीजिए। गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल।
वो देख सरू। हेलो, ग्रूम कहाँ है भाई? अब सरू चलो, अपने माँ बाप को लेने एयरपोर्ट गया आता ही होगा। मैं अभिमन्यु को लेके आता हूँ। कांग्रेस मैम। थैंक यू। रजिस्ट्रार बुला रहे हैं। जी बोलिए। हाँ जी भाई साहब, कहाँ है आपका बंदा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सर वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा इसलिए लेट हुआ, किसी भी वक्त आ सकता है। कमाल करते हो भाई साहब आप, और कसम जोड़ियो कि 40 मिनट पहले ही लेट हो गए, और भी लोग बैठे हैं जी। मेहरबानी करके आप बाहर इंतजार कीजिए, जिनके दूल्हे आए हुए हैं उनकी तो शादी करा दूं है? गया था जो तुम नहीं आए? हाँ क्यों अभिमन्यु? मेरे मां बाप ने इस रिश्ते से ना कर दी। आई एम सॉरी सर। इंदर, उसे मुझसे शादी नहीं करनी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बैठ के क्लियर कर लेते हैं। वो रजिस्ट्रार वेट कर रहा है, शादी अभी भी हो सकती है। कैसी शादी? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तो उसे मुक्का मारना चाहिए। मारो उसे इंतर, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो। क्या तमाशा हो रहा है? सर अभिमन्यु एक मिनट। जिस बेटी का पिंड बाप ने जीते जी कर दिया हो, उसकी डोली हम अपने घर में लाएं? यह हरगिज नहीं हो सकता। हम इतने लिबरल नहीं हैं। आज जाके अभिमन्यु ने जब हमें एयरपोर्ट पे बताया तो हमने साफ साफ कह दिया ये शादी नहीं हो सकती, और अगर ये शादी हुई तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो कहा था कि इनकी यहां फॉर्मेलिटी है, तुम ओके तो ये भी ओके? उसे मारना चाहिए था। क्यों नहीं मारा उसे? क्यों नहीं मारा उसे? क्यों नहीं मारा? हाँ क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा?
मैं अगर उसे मारता ना तो सारी बात वहीं खत्म हो जाती, और फिर वो तुम्हें सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलता। सॉरी, सॉरी आई लव यू वो नहीं डिजर्व करता, कोई सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता वो। ये 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 जो सब तुम कर रहे हो ना, ये वो नहीं डिजर्व करता, नहीं डिजर्व करता वो, कुछ डिजर्व नहीं करता, कुछ डिजर्व नहीं करता। Congratulations. This is the key to your honeymoon suite. Thank you. Enjoy your stay. Sir, wait a minute. Sir, stop this. Stop what, Inder? दो दिन के पैसे दिए उनको, वेस्ट क्यों करूं? वैसे भी मैं उस घर में नहीं जा सकती। तुम्हें जाना है? जाओ। जाओ। सर। मैं रात दिन ये दुआ करूं, इतने सुंदर होने के बाद भी कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कल सुबह तो मुझे हेट करोगी सर। बरन हवाएं मुझे न जाने दे गई सदा, क्यों अभी अभी है सरफरोशी आशिकी, भी जाएगी जा मेरी इसमें कभी। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है, मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए।
सरू, सरू, अभिमन्यु मिलने आया था, समझ में नहीं आता तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक्स या फिर गुड बाय। कावेरी की शादी है 27 को। सर तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। क्या तुम ये कार्ड उस तक पहुंचा दोगे प्लीज? मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया। और मैं शहर भी छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती। मैं उस तक सरू तक ही कार्ड पहुंचा दूंगा। She doesn't work here anymore. Sorry. Any information about her? No, I don't. Excuse me. Can you give this to Abhimanyu Shastri? Thanks. Indar. ये कार्ड मैं सरू तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? शादी टूटने के बाद हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हैं। झूठ। तुम सरू से मिलने रिसॉर्ट गए थे, वो तुम्हारे साथ थी, मैंने खुद देखा था। आया था, कुछ पर्सनल बातें हुई थी, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अपने रास्ते क्या मतलब? कोई एड्रेस तो दिया होगा उसने? नहीं। फैमिली के लिए कोई मैसेज? आई एम सॉरी। अभिमन्यु, मेरे लिए कोई मैसेज? नो। We'll be right back.
मेरे पास एक गन है और अगली बार अगर तू मुझे बिना बताए चली गई ना तो उसकी छह की छह गोलियां यहां और यहां चला दूंगा, समझी? क्या 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 हेलो तक नहीं बोलोगी क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलोगी? हाँ, क्योंकि सिंपति फ्लिंग के बाद एक दूसरे को हेलो नहीं बोलते, अवॉइड करते। अच्छा, तो तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम एम्बैरेस्ड हो? अरे सरू, ग्रो अप यार। भागी नहीं हूं मैं, बाकायदा मैसेज करके आई हूं। मिला नहीं तुम्हें? हाँ, मिला था, पर मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे लगा तुम उस अभिमन्यु के साथ अपनी लाइफ बना रही हो। ये जंगलों में क्यों घूम रहे हो तुम? ये हिप्पी बन के जंगलों में क्या घूम रहे हो? बोलो, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? सरू, तुम बताओ उस रात के बाद मैं तुम्हारा कौन हुआ? हाँ, रात गई बात गई इंदर, उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अभिमन्युओं को बुलाने के दो पल थे। कुछ खास नहीं था, कुछ वाव नहीं था, समझे तुम? नाउ जस्ट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। सरस्वती को हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से स्ट्रिक्टली मना किया था। मेनिनजियोमा है उसे, अ डीप ट्यूमर इन द ब्रेन जिस पर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और ना ही कीमो कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे मेडिकेशन से ही ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में डायग्नोसिस भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सरदर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, और यही बात मैंने सर और उसके फियांसे को समझाई। एक सेकंड, अभिमन्यु? या वो बीमार है पता चला इसलिए शादी तोड़ दी। शादी तोड़ने के कुछ घंटों बाद मुझे रिपोर्ट्स मिले। अगर पहले मिले होते तो मैं सरू को हर्ट नहीं करता। वीजा के लिए मेरे ऑफिस वालों ने कुछ रूटीन मेडिकल टेस्ट्स करवाए थे, डॉक्टर ने इसलिए मुझे पहले फोन किया था, सरू को नहीं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। रात भर रिपोर्ट्स लेकर सरू को ढूंढता रहा, अगले दिन सुबह जब रिजॉर्ट में मिला तो सॉरी कहा, सेकंड चांस मांगा, पर वो नहीं मानी। कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह शादी नहीं तोड़ी होती तो शाम तक एक ट्यूमर वाली पत्नी गले पड़ जाती। जब मैं उस दिन आया था तुम्हारे पास ही पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई मैसेज है या नहीं, याद है तुम्हें? तब झूठ क्यों बोला? इंदर को कुछ नहीं बताओगे, यही एक प्रॉमिस लेकर चली गई, वरना तुम्हें सब कुछ बता दिया होता। शादी तोड़ सकते हो, प्रॉमिस नहीं। सरू कैसी है? जान के क्या कर लोगे?
एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट का कुछ सामान रह गया है। के साथ पार्टी में ले जाओगे? तुमने डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए गनशान तो नहीं दिखाई? पार्टी कहाँ है? सरप्राइज। आई लाइक सरप्राइजेस। Sana
कसम, ओ सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। परी मिसरू की शादी, नो थैंक यू। सरू सरू प्लीज, मेरी आर अधूरी कहानी पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है इंदर। तो फिर किसकी? बस कर तू प्लीज ना, मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूं ना तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूं। तुम मेरी ओनली चॉइस, प्लीज फिर से पूछोगे मैं हाँ कह दूंगी। अपनी नजरों में गिर जाऊंगी इंदर, मरते वक्त सर उठा के जाऊंगी। लाओ उधर हाथ, तो तुम नहीं मर सकती। बस की दुआ पर भगवान कहता है तथास्तु। फोटो पर हार चढ़ाने को दुआ नहीं बद्दुआ कहते, और कोई भी बद्दुआ पर तथास्तु नहीं कहता। दुआ बद्दुआ माँ बाप जब दिल से देते हैं, भगवान होके कर देते। क्या हो? बस 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 हॉस्पिटल चलते। फोटो पे हार लगाना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या करेगा, क्या कर लेगा? तो फिर थप्पड़ खाने आ जाऊंगा आपके घर। नमस्ते। खाओ मास्टर, चलो सुबह हो गई, चल चल चल। कहा था ना मेरी नजर है तुझ पे, सोसाइटी का स्टार है तू, बहुत कंप्लेंट्स है तेरे ऊपर। वैसे ये सब अकेले पी गया तू, कमाल है। चल अब पुलिस स्टेशन की चाय पिलाता हूं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। तुम डिस्चार्ज मांग रही हो इसीलिए दे रहा हूं, बट मेक श्योर यू कम फॉर योर चेकअप्स एवरी डे, ओके? वो दोस्त कहाँ है तुम्हारा? वैसे तो विदाउट फेल आ जाता है विजिटिंग आवर्स में, फिर आज क्या हुआ? सर एक फोन करने दीजिए। सर
सर प्लीज सर। सर हॉस्पिटल फोन करना है सर, मैं कोई ढूंढ इसका कर कुछ। ए बस काले काला ला रहे, चल बस चल बस। सर फोन यूज करने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं तो क्या कब का लॉकअप में डाल देता तुझे। होलसेल में कंप्लेंस है तुझ पे सोसाइटी से, ऊपर से तेरे ये क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल गया है, और अभी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी को धमकी देता है, नहीं तो क्या करेगा। नहीं तो सर एक फोन करना है सर। ए रोड़े डालो इसको अंदर, शनिवार है आज, वैसे भी सोमवार तक बेल नहीं होगा। सर प्लीज सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, रहने दे दो दिन अंदर, बहुत जरूरी। सर एक फोन कॉल ही तो है। अरे बोलिए ना अपने साहब को एक बार, एक फोन कॉल करना है। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहे। फोन तो मैं करूंगा। इधर जा रहा है ये, तुझे बाबा लोग बोलता हूँ। ये पकड़ पकड़। भारती गाड़ी निकल। जी सर। ये बुक री इशू करनी है। आठ साल बाद अगर कोई जेल से छूट के बाहर आता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? भालू गर्ल, कॉफी। कॉफी नहीं चाहिए तो हाफ ब्रेड टकीला। आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा लाइफ की बेस्ट चॉइस मिल गई। रोती हुई लड़कियों से दूर भागता हूं, पर तुम जब रोती हो तो आई वॉन्ट टू जस्ट किस यू, सो कैन आई। तुमसे मिले 27 दिन 9 घंटे हुए हैं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सो आई गेस नो थैंक यू है, बट कभी भी मूड बदले तो कॉल मी।
ये जो सर पे कफन बांध के भागा है, तू क्या बोलने के लिए भागा? सॉरी या आई लव यू? ओए संभल के। अरे थाम जरा। फिर भाग, इस बार हथकड़ी पहन के भागा। क्या जवाब देंगे सरकार को? कहां गई हथकड़ी? सर मैं लूं? हाँ चाय बोल क्या? सिर्फ 10 मिनट का पैरोल दिया है, उसके बाद सीधा अंदर। सर मैं हॉस्पिटल नहीं आया। तुम रुक रही हो? हाँ तुम ठीक हो? नहीं तुम ठीक नहीं हो। चलो हॉस्पिटल चलो अभी इसी वक्त। तुमने मुझे बताया कि तुमने डिस्चार्ज ले लिया। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि मैं तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ। कहते हो तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ, फिर उस अभी मनी उसे शादी करने की परमिशन क्यों दी? सर तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो, लेकिन मेरे जैसा क्रिमिनल तुम्हारी बेस्ट चॉइस नहीं, और तुम्हारी डाइट की भी नहीं। इंदर, तुम्हें पता है ये लाइफ ऐसे क्यों गई? ताकि मैं सरस्वती पार्थ सारथी बन के नहीं, सरस्वती पर ही हार भर के जाऊं। मैरी मी इंदर, प्लीज। मास्टर पेरोल खत्म। टाइम आ। मेरी तरफ से शादी का तोहफा। मेहंदी अच्छी लगी? कल मैं साड़ी पहनूं? तुम क्या पहनोगे? कुछ फॉर्मल पहनो। शादी है, आउटफिट्स कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ना। व्हाट? जोकिंग। इंदर, जब मैं चली जाऊं ना तो प्लीज मेरे फोटो पे हार मत चढ़ाना। मुझे एक सुंदर से पेड़ के नीचे 2 गज जमीन में बसा देना। जब मेरा कोई अपना मुझसे मिलने आएगा तो मैं उन पे फूल बन के बरस जाऊंगी।
आज के बाद इस पर माला नहीं चढ़ाएंगे आप। तुम जैसे काम चोर गुंडे को एक माला चढ़ाने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि कल सरू की शादी है मेरे साथ। और इस बार आपको इनवाइट करने नहीं आऊंगा पिछली बार की तरह, बल्कि ये कहने आया हूं कि जब सरू ये माला देखती है ना तो उसे दुख होता, रोती है वो, और उसके आंसू रोकने के लिए ना मैं मार सकता हूं और मर भी सकता हूं। तो क्या लगता है आपको मुझे गन चलाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगी। एक चाल आंटी प्लीज, बस अब बोल दिया मैंने, अभी हार नहीं चढ़ेगा। पर एक बात, अगर ये एक बार मना कर देना, एक बार, तो हमारी सरू तुमसे शादी नहीं करेगी। इंदर जी, सरस्वती जी, आप दोनों सात वचनों के लिए रेडी हैं? जी। इंस्पेक्टर साहब रेडी है जी, रेडी। अब आप दोनों मेरे सात वचनों को दोहराएं। पहला वचन, यदि आप किसी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, आप किसी भी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, व्रत या दान आदि करो, व्रत या दान आदि करो, तो मुझे साथ रख के करो, तो मेरे साथ करो। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं, यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। सहमत हो। गुड है जी। अब दूसरा वचन, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहोगे। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। और अपने कुछ सर, एक मिनट। ओ की होया इंस्पेक्टर साहब? पिता का आदर नहीं करता मैं सर। अगर अंदर मैंने वो फादर वाला वचन लिया तो झूठ होगा ना। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं सर, झूठ नहीं बोल सकता। सिर्फ वरमाला पहना कर शादी कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। सर मैं आपको इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था।
सुना है शादी कर रही हो। प्लीज शादी होने दो, प्लीज ना, आज ही शादी होने दो, आज प्लीज शादी होने दो ना, प्लीज प्लीज ना। और मैं ना कर दूं तो? बीस बटा बावन मुझसे कल कहकर गया, तुम्हारे लिए मार सकता है और मर भी सकता है। इससे बड़ा वचन कोई नहीं सर। इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं। अब दुल्हन लग रही हो। वरमाला पहनाओ सरू। सरू हाँ बेटा पहने थे माला। जी वाह, कसम जोड़ियों की मुबारकें हो जी, मुबारकें। लो जी इधर साइन करो जी। लो जी इधर, इधर। आप भी जी। Thank you.
सर आप चाहिए। मेरा हस्बैंड उसके हस्बैंड से हैंडसम है ना, उसको मत बताना, अपसेट हो जाएगी। तुम मुझसे नफरत करती हो, आपको बहुत मिस करती हूं नाना। नाइस टू सी द होल फैमिली हियर टुडे, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो सरू का वेडिंग रिसेप्शन देना बाकी है, ये कब डिस्चार्ज हो सकती है? ऑल इंडिया से पूरा परिवार को बुलाना है, और इसका बहन वो यूएस में है, उसको भी तो बुलाना है, टाइम लगता है ना। हाँ, कितना टाइम है डॉक्टर? जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक तो। एक्सक्यूज मी, इसका क्रियाक्रम कर तो अरुण तक भी ऐसा बोला मैं। कौन फादर अपना बच्चे के लिए ऐसा कहता है? माँ बाप का दुआ पतुआ सबको तथास्तु बोलता है वो, ये तुमने कहा मैं नहीं सुना। सोचा आएगी सॉरी बोलेगी, मैं माफ कर दूंगा। थोड़ी भी बुद्धि मिलेगी नाना। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है।
बस रे बस 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 ये कोर्ट में रह गया था बस। और हाँ, उसमें से ये किताब भी मिला। 3 महीने से लगातार तुम्हारी सॉरी आई लव यू इस किताब को इश्यू करवा रही थी। कुछ पता है क्यों? ये पेज नंबर 65 पे ये सूखा गुलाब रखा हुआ है, शायद बुकमार्क के तौर पर रखा होगा। और पेज नंबर 65 पे पेंसिल से एक तारीख लिखा हुआ है, 1994 से 2015। मंजे का है काय अर्थ है ऐसा? क्या मतलब है इसका? उसी पेज पर तुम्हारी फोटो है, तुम्हारे बाबा की फोटो है। सोचो कि ये पेज 65 किसकी मंजिल है, सोचो। बैठो इंदर। गार्डन में वो पेड़ अभी भी है क्या, 1858 वाला? हाँ है। मुझे उस पेड़ के नीचे 2 गज जमीन चाहिए। पूछ सकता हूँ क्यों? बस चाहिए। इस बार किसका खून करके आए हो? तुम्हारी शर्ट पर खून के धब्बे हैं, इतना भी पूछने का हक नहीं है मुझे? इंदर, यू पीठ दिखाकर जाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? वापिस सीखा है। शादी से पहले तुमने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैंने किसी का खून क्यों किया है। तुमने किसी को बचाने के लिए किसी को मारा होगा। जब मैं 13 का था तो मेरी एक नानी थी, मिस लिली, माँ की तरह बुलाता था। एक दिन मेरे चाचा रात को उनके रूम में घुस गए। अपने बचाव में उन्होंने चाचा का खून कर दिया। मुझे पता था कि डैड उनकी बात में बिलीव नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि मैडम मैंने किया है। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर, मेरे डैड ने मेरा केस टेकअप करने से मना कर दिया। मेरा साथ छोड़ दिया। मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। इंदर, लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मेरे पास आओ।
नहीं वो वाइफ को परमिशन नहीं दोगे तो वो कैसे जा सकती है? तुम नहीं जा सकती। जब तुम्हारी जाने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले आके मिलूंगी, मेहंदी लगाकर। कहीं नहीं जा सकती, ये तुम्हारे माँ बाप की दुआ है ना, और वो उनकी सुनेगा, यही कहा था ना तुमने। उनकी सुन लेना, तुम जो मुझे मिल गए भगवान का पर्सनल लव लेटर। लव लेटर पढ़ लिया, अब जाने का कोई डर नहीं है। तुमने शादी कर ली इंदर? शादी में भी कोई दो गज जमीन मांगता है? उसे कुछ नहीं होगा। एक बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
इस बार मैं अपनी बहू को बचा लूंगा, भले मुझे अपनी पूरी जरूर नहीं रही। अपने आंसू बचा लीजिए पापा, वो इतनी सुंदर है, आप उसे देखेंगे ना तो आपके आंसू थमेंगे नहीं। मुझे मिलने दोगे? मेरी गलतियां बुला दोगे? लोग एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो गलतियां भूल जाते हैं, वो साथ इसलिए रहते हैं कि वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। पति की कामयाबी से खुश हूं, सो लेट सेलिब्रेट। चीयर्स। छोड़ दिया है मैंने पीना, कसम से। बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं। तुम्हें मिस करता हूं, रोज करता हूं, बहुत मिस करता हूं, तुम्हारी कसम। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तू मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। तुम सॉरी हो? तुम्हें हमसे ये सॉरी? फिर से पूछोगे तो मैं आंखें दूंगी, यदि आप सहमत हो तो मैं आपकी बाएं भाग में आऊं।